राम राम सारी बेणा ने और सतन सहेलियां ने। आज मैं थाने अंत 14 अक्टूबर की एक कथा सुनाऊँ सुनूँ और वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कर दियो और अपना चैनल भजन इंदिरा के चैनल ने सब्सक्राइब ना करो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लियो। जीवन जकी भी नई वीडियो आसी बस आ रहा हूँ पहला थरक ने फोन जैसी और अब मैं कथा सुनाऊँ सुनूँ। श्री सूत जी बोले, नैमिष राय में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख कर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे चल के जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपवास किया। यह देख दुर्योधन अंत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें क्योंकि जुआ खेलने में आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यक्ष समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर भीम अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को समय हड़प लिया और निरपराधी पांडुओं को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। वह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं अथवा किस व्रत को करूँ जिसके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपल दिन रात पक्ष मास ऋतु युग ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को जो नाश करने वाला विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अंत जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु 12 सूर्य, एकादश रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र विंध्याचल पर्वत गंगा आदि नदी तथा वृक्ष नक्षत्र और 10 दशों दिशा भूमि पताल भूलोक भव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, आप अनंतवर्त का महात्म और विधि कहिए तथा अंतवर्त का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, इसका फल क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ पूर्व काल में यह व्रत किसने किया था और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया था, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमत नाम का ब्राह्मण था। उसने विशिष्ट गोत्र में उत्पन्न भृंगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शिला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शिला की माता जवर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिर कर मर गई। उसके पश्चात सुमत ने ब्राह्मण की कन्या से जिसका नाम कर्कशा था विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शिला नाम की एक कन्या अपने पिता के घर में भींत और खंभा पर तथा दहेली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर थी। नीले पीले सफेद
काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से संतीय सख कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शिला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था चिन्ह से युक्त शिला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं और इस विचार से दुखी हुआ। इसी समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ पौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमत, तुम्हारी सुंदर कन्या शिला को मैं वर्णन करना चाहता हूं। तब सुमत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष पौंडिन्य नाम ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए था। स्त्रियों ने मंगल गान गाए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वचन तथा वंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रोध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी पत्नी शिला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर के भोजन को उस समय उसी यमुना तट पर उत्तर शिला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा जो अनंत चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भार्गव, कृपा कर आप मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इसका क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियाँ बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। मैं भी इस अनंत व्रत है और इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शिला बोली, मैं भी इस व्रत उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शिला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनावे जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे तथा आधा आप भोजन करे और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का भोजन करे, कुशा का शेष नाक बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे, फिर उस पर शेष का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा कर के स्नान करावें और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग कर उसमें 14 गांठे लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण का अनंत का ध्यान करें। हे शिला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शिला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथ युक्ति डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर गई। उस समय शिला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गो धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शिला सदा लगी रहती और माणिक्य सवर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो सावित्री के समान पतिव्रता हो पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शिला के हाथ से अनंत का डोरा बांधा देखा और पूछा, हे शिला, इस डोरे को तूने मुझे बस में करने को बांधा है, सत्य कह, है किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है। शिला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से यह मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शिला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मन से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और वह बोला, यह अनंत कौन है। उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया।
तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शिला ने अंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गाय को चोरा ले गए। आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार आया था उसी प्रकार नष्ट हो गया। अपने उसी प्रकार हो गया। अपने सबजनों से कलह था, बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से अंत दुखी होकर वह बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, मुझसे कोई बात नहीं करता और मैं देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के इस वचन सुन शिला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शिला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयुलक्षित करके तप का विचार करने लगा। ऐसे जगदीश्वर अंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के साथ साथ सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए थे। वह कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान पर अंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बतलाओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए श्री कृष्ण ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गो को देखकर उसने गाय से पूछा, हे देनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, में अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामिनी, तुझे अनंत को देखा? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कलोल से परस्पर लहरें मिल रही थी। उस कमल कुमोदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी तथा बर्मर, हंस, चकवा तथा सार्स बुगला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्पकर्णियों से पूछा, तुम दोनों ने अंत को देखा? यह सुनकर पुष्पकर्णियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गदा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा कि तुमने अनंत को देखा? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहिल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ धरती पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए, ब्राह्मण का रूप धारण किया। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्रियों से पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्म और गुरुड़ सहित विश्व रूपी अपनी विभूतियों के वेदों से अधिक तेज और कुस्तुभी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से नपराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य हैं, तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने
अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनर्थ का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की है, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। सब जनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात में नहीं करता। महादुखी होकर मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न्याय देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलम्ब मत कर, अपने घर को जा। चतुर्दश वर्ष तक भक्तिपूर्वक अंत व्रत कर, तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पोतर होंगे तथा सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में तेरा स्मरण होगा, मेरा स्मरण होगा और पीछे से निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और विवर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस वर्त अंत वर्त को करने वाला इस वर्त के प्रभाव से जल्द ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आए है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा। वह आपसे पूछता हूँ, कृपया कर आप मुझे बतलाइए। वह आम का वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन हैं? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न करने के कारण वृक्ष हुआ है। और वह गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। और वह बेल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हुई है। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी, जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों अतिथि तथा दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों की भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एक तर्त होता है। वह गदा क्रोध है और वह हाथी मंद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य सपन सम्मान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अंत के कहे अनुसार सुख बोकर अंत में अनंत का स्मरण कर अंतपुर को गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से 1 वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। इष्ट यह व्रत मैंने आपको सुनाया, इस व्रत के करने से सब मनुष्य पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूट कर अंतलोक को प्राप्त करते हैं। हे करु कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सागर में सुखपूर्वक व्यवहार करना चाहते हैं, वे तिरुभुवन के स्वामी अंत भगवान का पूजन करके दहिने हाथ में अंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। अंत भगवान की जय। और कथा सुनने बाद में आरती